शतरंज का ऐसा खेल जिसमें सामने वाले को तीन चाल में हराने वाला जीतेगा और सामने वाले को अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी। देनी होगी? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आशय और माँ दोस्तान, अब देखो अपनी प्यारी चीज मेरे हाथ। अलविदा मेरे सबसे प्यारे तावीज, हमारा साथ बस इतना ही था। ओफ़ कालिया, इतनी आसानी से हार गए, अब मैं जाऊंगी। घोटाला। घोटाला 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 शहर मात। ये मेरे दोस्तों की तस्वीर है, मेरे पास इससे प्यारा कुछ नहीं। जी हाँ, आज तो हम जीत के रहेंगे। ढोलकपुर वासियों, तीन तिगाड़ा खेल में आपके पुराने राजा इंद्र वर्मा की हार होने के कारण आपके नए महाराज हैं ताला घोटाला, और आज से ढोलकपुर की हर चीज पर उनका हक होगा। ताला घोटाला और महाराज इंद्र वर्मा कहाँ हैं? अब वो महाराज ताला घोटाला के बंदी बन चुके हैं। घोटाला घोटाला शेह और मौत पेंटर बाबू। क्या इस ढोलकपुर में कोई भी नहीं जो मुझे मात दे सके? ढोलकपुर का पता नहीं, पर हम जरूर मात दे सकते हैं। घोटाला। आओ एक बाजी खेले। क्यों? तीन तिगाड़ा खेल बिगाड़ा, शेह और मात ताला। गड़बड़ हो गई घोटा। ताला को चित्कर डाला। पधारिए महाराज। शुक्रिया भीम, तुम्हारी बहादुरी और शक्ति के कारनामे किसी जादू से कम नहीं। असली बहादुरी तो मेरे दोस्तों ने दिखाई। क्यों दोस्तों? खुल जाओ, खुल जाओ। ये आजादी। ए, रुक जा। अरे कोई पकड़ो, चंदू चोर भाग रहा है। हाथी नहीं,
एक चालाक चोर था। एक मामूली से चोर ने भीम की ये हालत कर दी। मैं होता तो उसे मसल कर रख देता। वैसे जैसे उस दिन उस्ताद ने 10 लड्डू मसल के एक साथ मुंह में डाल दिए थे। परेशानी की बात तो ये है कि वो चोर भाग गया। उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। मिल गया वो बच्चा और मेरा कड़ा भी। अरे रे रे, क्या वक्त आ गया है। चोर को अपने सामान भी चोरी करना पड़ता है। छेड़ो मुझे, छेड़ो। जिसका कड़ा है उसी के हाथों में अच्छा लगता है। खरीदना क्यों है? इसी महल को चुरा लो। अपना महल है, जब चाहे चले आना। जहाँ भीम को हमारी जरूरत होती है हम वही चले आते हैं। और जो भी ढोलकपुर की शान पर बुरी नजर डालता है हम उसकी धुलाई करते हैं। दोस्तों हमला। चोर राजा चले जेल में राज करने। शुक्रिया दोस्तों, आज तुम सब नहीं होते तो ये चोर भाग जाता। दोस्त शुक्रिया नहीं कहते, गले मिलते हैं। पिताजी फूलों का गुलदस्ता देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन इस साल कितने कम फूल खिले हैं ना? सुबह से बस इतने ही इकट्ठे हुए। सब थक गए हो तो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जम कर फूल चुनेंगे। मैं तो बहुत थक गया। इन फूलों से अच्छा तो हम ये गुब्बारे ही ले जाते। उतने समय में मैं घर पर कसरत भी कर लेता। मुझे कसरत तो पूरी करने देते। रेत कुमारी जी, लो जितने चाहे फूल बटोर लो। कालिया तुम भी थोड़ा हाथ बटोर, कसरत भी हो जाएगी। स्वादिष्ट है ये केला, बना दे गोरिल्ला। इसकी सारी हरकतें
कालिया जैसी क्यों लग रही हैं? अब इन्हें दिखाता हूँ कि कौन है सिकंदर और कौन है बंदर। एक, दो, तीन, कूदो। वाह, ये तो तेजी से बढ़ रही है। कालिया के बिना मजा नहीं आ रहा ना। चलो हम कालिया को ले आते हैं। दोस्तों हम कालिया को ढूंढ लाते हैं। कालिया, कालिया। अरे भीम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैंने ये जादुई केला बनाया, इसे खाने वाला तुरंत एक बंदर बन जाएगा। अच्छा, आज हमें कालिया भी नहीं मिल रहा है। वो बंदर कालिया ही है, इसलिए उसकी चाल कालिया से मिलती जुलती लग रही थी। तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द बंदर पर्वत जाकर करेला केला लाना होगा। वो तो भीम आसानी से कर लेगा। चुटकी, तुम बंदर को लड्डू का लालच देकर कालिया के घर तक ले जाओ। चलो अब थोड़ी कसरत भी कर लेते हैं। लड्डू, इतना लजीज फल अब तक क्यों नहीं दिया? मैं लौट आया। प्राचीन खेल खेलेंगे। पहला लगोरी, जिसमें मैं सबसे माहिर हूँ। ये लगोरी खेलते कैसे? पहले उस टीले से 7 चपटे पत्थर लेकर आओ। अरे वाह, मिल गया चपटा पत्थर। लगोरी खेल खेलें बच्चों। हाँ। अब खेल में उन पत्थरों का ढेर एक गेंद से तोड़ने के लिए बड़ों की तरफ से आ रहे हैं। बोलो रा, बोलो आ, बोलो जा, राजा इंद्र वर्मा। अब बड़ों को जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं। से पहले बच्चे बॉल से उनको आउट कर सकते हैं। अभी चाचा और थूके तो आउट। OUT आउट हो गए राजा इंद्र वर्मा। टुन टुन, इन्हें दिखा दो कि लगोरी की रानी तुम ही हो। बड़े बच्चे लगोरी जीत गए। दूसरा
खेल है खो खो। एक दूसरे को खो देकर हमारी टीम को आउट करना है, ठीक है? उन्हें क्या समझा रहे हो अभी, खो खो के सबसे धीमे खिलाड़ी? इसीलिए तो एनर्जी ड्रिंक लेकर आया हूँ। योगे पीऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे ये स्केट्स पहनो तो। अभी मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना, अब देखो। वो एनर्जी ड्रिंक नकली नहीं थी। राजा जी तो चपाटी बन गए। आउट, आउट, आउट। बच्चे खो खो जीत गए, दोनों टीमों की बराबरी हो गई। तो हो जाए मुकाबला, सब तैयार। जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट, ठीक है? तो शुरू करो। तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। बस अब और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद।
पैसे लेके नहीं भाग सकता है, भले वो डाकू हो या कोई बिजनेसमैन। शुक्रिया भीम। बलि देने वाले हैं। क्या? इनका मानना है कि आज की रात किसी हट्टे कट्टे खुशहाल इंसान की बलि चढ़ाने से इनके समाज में खुशहाली बनी रहेगी। हमें कालिया को जल्द ही बचाना होगा। क्यों चाहते हो? भीम बचाओ! हट जाओ! ए चिंचिंकार, ए
सताने से नहीं बल्कि प्यार बांटने से बढ़ती है। इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार, किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। लड्डू का शौकी